भारत पर जाहिर है चीन का कोई दबाव काम नहीं आया, लेकिन हर दिन हम प्रोपेगेंडा वीडियो देख रहे हैं। शंकर सर, क्या ये प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने के लिए इनके हथियार गोला बारूद बनाए जाते हैं? इसके अलावा और ये कर भी क्या सकते हैं, इन्हें भारत की सेना की शक्ति का एक एग्जाम्पल मिल चुका है। इन्होंने भी इन दिनों में देख लिया कि भारत की न केवल जवान तगड़े हैं, बल्कि इनकी सोच भी तगड़ी है, इनकी लीडरशिप भी तगड़ी है, इनके ऑफिसर्स वेल ट्रेन्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं। जिस तरीके से हमने कैलाश रेंज पर अभी कब्जा किया है, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी चाइना की आर्मी के छक्के छूट गए हैं। अब वो क्या चाहते हैं, इसके बाद वो ये कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो जी कैलाश रेंज से हटिए, बाद में बात करेंगे और चीजों की, क्योंकि वो उन्हें बहुत खल रहा है। वो दैट इज बीन अ ट्रेमेंडस स्ट्रेटेजिक मूवमेंट बाय द इंडियन आर्मी विच इज कम्प्लीटली डिस्टेबलाइज द पाकिस्तान चाइनीज आर्मी एंड पीएलए दे। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पीएलए की हकीकत शंकर सर बता रहे हैं कि उनके यहां जितने गोला बारूद हथियार होते हैं वो सिर्फ नुमाइश के लिए होते हैं, असल में इस्तेमाल के लिए नहीं। जानते हैं वो कि है, वो रणभूमि में जाकर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपके पास आ रहा हूं शंकर सर, मैं देख रहा हूं आपका इशारा। एक अहम खबर बता दूं, लेकिन चीन की दादागिरी के खात्मे की शुरुआत हो गई है। मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण शुरू हो गया है। चार देश मिलकर कर रहे हैं चीन की घेराबंदी। यूएसएस निमित्ज और विक्रमादित्य कर रहे हैं युद्धाभ्यास। 20 नवंबर तक जारी रहेगी क्वाड की वॉर एक्सरसाइज। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए दुनिया के महत्वपूर्ण देशों ने अब ठान ली है। शंकर सर, हाँ, मैं जो बात कह रहा था उसको जरा कंप्लीट करने दीजिए मुझे एक सेकंड के लिए। मैं पाकिस्तान का नाम गलती से दो दफा इस मारे ले गया कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा होता, जिस तरह से इनके एक स्पीकर ने अभी कहा, तो ये FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं रहते। इनकी तो हालात बढ़ रहे हैं ब्लैक की तरफ जाने के, और अगर भारत में कुछ भी 1% भी टेररिज्म की बातचीत होती तो हम भी ग्रे लिस्ट में होते आज, हमारा तो नाम ही नहीं है इस चीज़ों में। तो बहरहाल ये समझ लें कि इस समय विश्व के अंदर, जैसे काटजू साहब ने कहा, टेररिज्म दिस एपी सेंटर इज इन पाकिस्तान। करिए बात तो छोड़ दीजिए, खत्म हो गई। शंकर सर, वो जो है एक दूसरा मुद्दा छेड़ के जानबूझकर एक ट्रैप सा ले करते हैं ताकि हमारी डिबेट को वो डिरेल कर सकें, ऐसा नहीं होने देते सर। वो कहने उनके कह देने से हम टेररिस्ट हो जाएंगे, दुनिया जानती है कि वो क्या है, और FATF का जिक्र तो आपने किया ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।